संत होते हैं महाराज, वो कभी अपने लिए नहीं रोते, रोते हैं जब भी तो वो जग के कल्याण के लिए रोते हैं। तू वेद व्यास जी रो रहे, भगवान कहते हैं मैंने कहा कि मैंने कल कहा था कि भगवान कभी भी अपने भक्त को रोते हुए नहीं देख सकता। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाकर देखिए कि वेद व्यास जी आखिर रो क्यों रहे हैं। नारद जी आते हैं पृथ्वी लोक पे, वेद व्यास जी से पूछते हैं। वेद व्यास जी ने कहा प्रभु हमने इतने ग्रंथ की, इतने पुराण की रचना की, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिल रहा। हमें लगता है कि कलयुग में जीव अपना कल्याण नहीं कर पाएगा, कोई भी उधर जाए नहीं। आप सभी बैठ के कथा को श्रवण करें। कलयुग में जीव अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि प्रभु अभी तक आपने ज्ञान की बात को लिखा और कलयुग में ज्ञान को सुनने वाले बहुत कम होंगे, कलयुग में भक्ति करने वाले अधिक होंगे। इसलिए नारद जी ने कहा वेद व्यास जी से कि अब आप भक्ति का रस भरिए, भक्ति के बारे में लिखिए। कल इतना कम समय था इसलिए मैंने भक्ति पे बहुत अधिक चर्चा नहीं कर पाया। भक्ति ने महाराज ठाकुर जी से, परमपिता परमेश्वर विष्णु जी से ये आशीर्वाद मांगा वृंदावन में कि हे ठाकुर जी महाराज, जो भी मेरे माध्यम से आपको बुलाए, चाहे वो दानी हो, चाहे वो महापापी हो, चाहे वो धर्मात्मा हो, अगर भक्ति उसके अंदर है और वो आपको बुलाना चाहता है तो आप उसके घर अवश्य जाए। ये भक्ति ने वरदान मांगा। तो नारद जी ने कहा वेद व्यास जी से कि अब आप भक्ति रस भरिए, कलयुग में ज्ञान लोग कम सुनेंगे लेकिन भक्ति लोग बहुत सुनेंगे। तब जाके वेद व्यास जी से नारद जी ने कहा भक्ति का रस भरिए, ये लिखिए कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, कब लिया, भगवान की लीला, भगवान का जन्म, ये सब सुनने वाले कलयुग में बड़ा ध्यान से सुनेंगे। और वेद व्यास जी ने ये सब लिखा महाराज, जो हम वक्ता के रूप में कह रहे हैं और आप श्रोता के रूप में सुन रहे हैं। वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा कि प्रभु की कृपा होगी तो सभी लोग सुनेंगे जो मैं लिखूंगा। उसके बाद वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवत कथा का रचना किया, श्रीमद भागवत जैसा महापुराण उन्होंने लिखा। ऐसे वेद व्यास जी महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं, श्री सुखदेव मुनि महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी जब भागवत कथा लिखना प्रारंभ किए, सबसे पहले उन्होंने महाभारत का प्रसंग लिखा। एक प्रसंग महाभारत की आप सभी सुनिए, फिर भगवान के विवाह उत्सव में चलेंगे। सबसे पहले उन्होंने महाभारत का प्रसंग लिखा। वेद व्यास जी लिखते हैं कि धर्म की जीत हुई और अधर्म का हार हुआ, यानी पांडवों की जीत हुई और कौरवों का हार हुआ। अच्छा ये बताइए कितने बजे तक आप सभी कथा सुन सकते हैं? जोर से कहिए है?